सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम BHTC फर्स्ट ईयर की पाठ्य पुस्तक बच्चे और बचपन के अंतर्गत इकाई हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इकाई का नाम अपनी एक बटा सेट फोर्थ इकाई का नाम है शारीरिक विकास। इस शारीरिक विकास के अंतर्गत हमने बहुत सारे प्रकरणों को इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से पढ़ा है। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता। तो बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता में हमने दो वीडियो इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। तो उसमें था एक तो हम कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता थी, फिर मानसिक योग्यता की मानसिक योग्यता में वृद्धि थी, फिर खंड नंबर था कि प्रबल जिज्ञासा वृद्धि था, वास्तविक जगत से संबंधित था, और एक था हमारा संचय और संग्रहण करने की प्रवृत्ति का विकास था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे। तो आज की हमारी जो विशेषता है वह सिक्स्थ नंबर की विशेषता है। तो बताया गया है कि बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता बताया कि संवेगों का दमन करना, और इसी क्रम को आगे इस प्रकार से हम बताते हैं कि संवेगों का दबाव महत्वपूर्ण होता है कि बालक अपने संवेगों पर अधिक अधिकार रखता है और अच्छी आदतें बुरी आदतों और भावनाओं के बीच में अंतर को जानता है कि अच्छी आदत कौन सी है और बुरी आदत कौन सी है। मतलब हम भावनाओं का दमन करना सीखता है, जिसको बड़े माता पिता या बड़े लोग पसंद नहीं करते, जैसे काम संबंधी भावना, ये बड़े लोगों के अंदर क्या होता है, छोटे बालक होते हैं वो इन बातों को ज्यादा छुपाते हैं, कहते हैं कि हमें एक खेलने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है कि मुझे किसी को सीखना है, तो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ में जाकर हम सीखते हैं और उसी क्रिया को करते हैं। और करने वाली क्रिया होती है वो इस प्रकार से होती है कि उन संवेगों को हम छुपाते भी हैं और प्रदर्शित करते हैं, उसको दिखाते भी हैं। तो ये क्रिया हर किसी को होती नहीं है। दो मिनट के लिए ये हम पढ़ते हैं आगे वाले। फिर अगला पॉइंट आता है सातवां पॉइंट, वह रचनात्मक कार्यों में आयु जो भी है औजार है उनका प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है।
इसके अगर विपरीत देखा जाए तो बालिका और अगर बालक के क्षेत्र में बालिका मतलब क्या होता है, बालिका कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का कार्य करती रहती है घर के अंदर, जैसे पाक कला का निर्माण करना कि कैसे खाना बनाया जाता है, या सिलाई करना है, कढ़ाई करना है, मतलब उसमें डिजाइन बनवाना है, उन्हें अनेक प्रकार के कार्य होते हैं, घर की साज सज्जा होती है, उनके संबंधित जो सजावट है, घर के बैकग्राउंड को चेंज करना है, तो वो अनेक प्रकार के, जैसे आज वर्तमान समय में आज देखिए हमारे पास टेक्निकल चीज है, टेक्नोलॉजी है, उन टेक्नोलॉजी के आधार पर हमारा हम अपने घर को सजाने के लिए जो अनेक प्रकार के उपकरण होते हैं, सामग्री होती है, उनका प्रयोग अधिकतर लड़कियाँ करते हैं, पर लड़कियाँ घर पर बहुत सारे ऐसे कार्य करती है जो अपने उस कार्य में करती है आनंद लेने को होती है, हमें ये कार्य करने में अगर सिलाई करते तो सिलाई काम लेना, खाना बनाते खाना आनंद लेना, तो ये आनंद अवस्था के अंदर महत्वपूर्ण रूप से देखी जाती है। अगला पॉइंट है नफा है इस अनुपात का है वह है निर्देश से भ्रमण करना, लेना देना नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं किससे मतलब नहीं है, फिर विद्यार्थी आज